करें शुरू। एक मिनट सर, सर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप लोगों का शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। जैसा कि आपके इलम में है कि कश्मीर में अंदर इंतखाबी मुहिम अपनी पूरे ज़ोर शोर से जारी है और अबू बचाओ मुहिम के जो रूहे रवा दो बच्चे हैं वो आजकल आपको कश्मीर के अंदर छोटी छोटी जलसियां करते नज़र आ रहे हैं। और वहाँ पर वो लोग जिन्होंने शायद कश्मीर, जिनको पहले जाने की कभी तौफीक नहीं हुई होगी, जिन्होंने कभी कश्मीर के हवाले से कभी बात उस तरीके से नहीं की, आज जो है उनको कश्मीर के हवाले से आप देखेंगे कि वहाँ जाकर इस किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कश्मीरियों की स्ट्रगल को या जो कश्मीरियों की जो आज़ादी की तहरीक है उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और अपनी ज़ाती अनाद को, अपनी ज़ाती अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए इल्ज़ामात बराए इल्ज़ामात की जो है वो सियासत कर रहे हैं। और कश्मीरियों को पता है कि कश्मीरियों की जो आवाज़ दुनिया के अंदर जो मौसर आवाज़ बनी है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, जो हकीकी मानों के अंदर कश्मीरियों की सही सफ़ीर बनने का उन्होंने हक अदा किया, चाहे वो अक़वामे मुत्तहिदा का फोरम हो, चाहे वो दौरा अमेरिका के दौरान सदर ट्रंप के साथ मुलाकात का मामला हो जो साबका सदर हैं अमेरिका के, चाहे वो इस्लामिक ओआईसी का फोरम हो, और दुनिया का कोई भी ऐसा फोरम नहीं जहां पर उन्होंने कश्मीर की और कश्मीरियों की जिद्दोजहद के हवाले से, और वहां पर मोदी जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर एक हिंदुत्वा की सोच के तहत वहाँ पर जो कश्मीरियों का स्टेटस उसने ख़त्म किया और जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी की, उस तमाम ख़िलाफ़ वर्जियों को मोदी के उस स्याह मकरू चेहरे को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बेनकाब किया। आप ये देखें कि आज पूरा वेस्टर्न मीडिया मोदी की कश्मीरियों के अंदर, कश्मीरियों के साथ जो रियासती दहशतगर्दी का रवैया उसने इख्तियार किया हुआ उसके ख़िलाफ़ उन्होंने लिखा। दुनिया के बड़े बड़े जो आलमी जरीदे हैं उनके अंदर मज़मून लिखे गए मोदी के ख़िलाफ़, और पूरी दुनिया के अंदर जो मोदी का एक ज़ालमाना जो सोच का तरीक़ाकार है वो दुनिया के सामने जो है वो आश्कार हुआ। और एक मोदी अंदरूनी सतह के ऊपर और आलमी सतह पर, दोनों सतहों के ऊपर जो है वो प्रेशर का शिकार हुआ। उसके पीछे मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा करदार है। और आज भी हम चाहते हैं कि जो कश्मीरियों की आज़ादी की जो जिद्दोजहद है, जो उनकी स्ट्रगल है, वो उसकी हम हमायत जो है वो पाकिस्तान हर सूरत जारी रखेगा। लेकिन वो लोग मरियम सफदर जैसे लोग जिनकी सिर्फ पहचान जो है वो झूठ है, जिनकी सिर्फ पहचान जो है वो करप्शन है, चोरी है, चकारी है, वो वहाँ पर खड़े होकर जब कश्मीरियों का कहते हैं कि जी मैं तो अपने घर आई हूँ, तो आपने देखने वाले और पाकिस्तानी लोगों ने इनको कितनी बार अपने घर पे कश्मीर का दौरा करते देखा है, कितनी बार इनको अपने घर जो है वो जाते देखा है। ये कश्मीरी लोग जानते हैं कि ये बहरूपिये हैं, ये हर किस्म का भेस बदल लेते हैं, ये जहाँ जाते हैं ये वहाँ का भेस पहन के जाकर लोगों को गुमराह करने की जो है वो कोशिश करते हैं, जिससे अवाम गुमराह नहीं हुई। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर इनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वहाँ भी जाकर ये इस किस्म के बयानबाजियाँ करते थे।
लेकिन वहां की आवाम ने भी जो इनको बुरी तरह मुस्तरद किया, क्योंकि ये कश्मीरियों का भी हक है और आज़ाद कश्मीर के लोगों का ये हक है कि इंतखाबात के अंदर वो ऐसी जमात को सामने लेकर आएँ जो जमात उनके लिए वहाँ पर जो उनका इत्तेसाल पिछले 5 साल नून लीग की वहाँ की हकूमत ने किया है उसका खात्मा कर सकें, बजाय आवाम को अपनी कारकर्दगी बताने के। अगर आप इल्ज़ामात बराए इल्ज़ामात लगाते रहेंगे तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये वही मरियम सफदर हैं जिन्होंने कहा था मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाद में सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन भी निकल आई, बाद में जो है वो लंदन के फ्लैट्स की बेनिफिशरी ओनर भी निकल आई। तो हर बंदे का जो बात कर रहा होता है उसका देखना है कि उसका जो करदार है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसके अंदर कोई जान है या नहीं है। और आप जाकर वहाँ पर जो जिस किस्म का कश्मीरियों के साथ बजाए उनके साथ हम बात करें, उनकी जद्दोजहद को सलाम पेश करें, वहाँ के शहदाओं को सलाम पेश करें, आप जाकर उस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बात करते हैं जो वज़ीर आज़म इस टाइम कश्मीरियों के इस काज को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ज़िंदा रखे रखा है, जिन्होंने उसको नमाया किया हुआ है। और आज कश्मीरियों को के दिल जो हैं वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और उन्हें पता है कि इस वक्त एक ऐसा लीडर मौजूद है जो उनके काज के लिए किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। वज़ीर आज़म साहब ने खुल के ये कहा कि हम जब तक भारत 5 अगस्त के स्टेटस को वापस नहीं लेता उनके साथ कोई बात नहीं होगी। बेशुमार प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर, हमारे अपने लोकल जो कारोबारी हजरात हैं उनके बहुत सारे रॉ मटेरियल्स वहाँ से आते हैं, उनकी तरफ से थे डिमांड के आप जो है वो तजारत को खोलें। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कश्मीरियों की उन कुर्बानियों को, उनकी उस जद्दोजहद को, उनकी इस स्ट्रगल को सामने रखते हुए ये फैसला लिया कि हम 5 अगस्त का जब तक जो है स्टेटस पहला बहाल नहीं किया जाता 5 अगस्त से पहले का, उस वक्त तक हम किसी किस्म का कोई ताल्लुक जो है भारत के साथ, तजारत हो, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेंगे। और वहाँ एक पर्ची चेयरमैन बिलावल भी घूम रहे हैं। अब मसला इनका ये है कि क्या आप कश्मीर में भी करप्शन पहुँचाना चाहते हैं? कल को पता चलेगा कि कश्मीर से भी टीटियां लग रही हैं, आज़ाद कश्मीर से भी। कल को पता लगेगा कि वहाँ भी जो है वो जाली अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। तो कश्मीरियों को मैं होशियार करना चाहता हूँ, आज़ाद कश्मीर के लोगों को, कि ये जो बहरूपियाँ हैं ये इंतखाबात के अंदर जो है आपके सामने आए हैं, लेकिन हकीकत में इनके हाथ जो हैं वो करप्शन से रंगे हुए हैं। इनका जो मामला है, एक तरफ जो है कहते हैं कि जी हमें आप जो तमाम केसेस से NRO दे दें, दूसरी जानिब जो है इनका ये ख्याल होता है कि नवाज शरीफ की जान की जमानत दें तो पाकिस्तान आ जाएंगे। अब इनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या लंदन में जान की जमानत है? ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में। आप सीधी तरह कहें कि आप जान की जमानत के नाम के ऊपर आप जमानत मांग रही हैं कि जेल ना जाना पड़े, उनके एहतसाब के केसेस को ख़त्म कर दें, उनको जो है वो करप्शन का पैसा वापस ना करना पड़े। और जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क जिस हालत में हमें मिला था, आज हमने इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक कर दिया है। आज मुल्क की जो GDP है 4% के ऊपर ग्रो कर रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, किसान खुशहाल हो रहा है, आज का जो हमारा मजदूर है उसके लिए रोज़गार के मौके नए पैदा हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी के साथ चल रही है, मुल्क के फॉरेन रिजर्व के अंदर तारीखी इजाफा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारी ऊपर जा रही है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर नहीं जा रही जिसमें इजाफा नहीं हो रहा, वो शरीफ खानदान की करप्शन की ग्रोथ है जो रुकी हुई है, इसका इनको गम है। और मैं फिर इनको ये कहूँगा कि इनको संजीदगी के साथ, जो मुझे लगता है मुश्किल है, इनसे एक्सपेक्ट नहीं आप कर सकते, संजीदगी के साथ और एक कौमी सोच का सबूत देना चाहिए। जब आप कश्मीर में खड़े होकर बात करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोदी किसके घर पे आया था, वहाँ पर ना को फॉरेन ऑफिस का नुमाइंदा मौजूद था, साड़ियों आमों के तोहफे आप देते रहे थे, इतनी आपकी ज़ाती दोस्ती थी, तो रायवंड के दरवाजे की कुंडी लगाते नवाज शरीफ साहब कहते कि मोदी साहब आप आए बैठे यहाँ पर, कश्मीर का मसला हल करके जाते हैं, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं।
उफा डेक्लेरेशन से कश्मीर का नाम निकल जाता है, भारत से दहशतगर्दी करने वाला कुलभूषण आता है, आपके मुंह को ताले पड़ जाते हैं, बात नहीं निकलती, हमले भारत में होते हैं, एफआईआर आपके दौर में गुजरांवाला के अंदर कट जाती हैं, कुलभूषण के नाम के ऊपर आप इस तरह खामोश होते हैं जिस तरह जो है उन्होंने कोई आपके ऊपर कोई जाती एहसान किया होता है। आप मोदी के हलफ पे जाते हैं, वहाँ जाकर हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते, वहाँ जाकर भारतीय अदाकारों को मिलते हैं, स्टील टाइकून सज्जन जंदाल को मिलते हैं, उनके साथ आपकी दोस्तियाँ हैं, फिर आप कहते हैं हम अपने घर आए हैं। कितने कश्मीरियों की तरफ आपने विजिट किए, कितने हुर्रियत रहनुमाओं को नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान बुलाकर उनके साथ मुलाकातें की, कितनों को टेलीफोन कॉलें की। तो लिहाजा हमें कश्मीर के कॉज के हवाले से हमें आप सबक ना पढ़ाएं। जिनके कश्मीर कमेटी का चेयरमैन फजल रहमान साहब थे, उनके कश्मीर के मसले के हल के ऊपर संजीदगी का आलम आप खुद देख लें। जिनको सवाए जो है वो लस्सी हलवे के अलावा किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं था। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि कश्मीर की आवाम इस इलेक्शन के अंदर उस पार्टी को मुंतखब करेंगे जिनका उन्हें पता है कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के भी बात कर सकते हैं, वो मोदी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और वो कश्मीरियों के कॉज के ऊपर कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे, और उनको पता है कि वो लीडर जो है वो वजीर आजम इमरान खान जी। देखें जो बात आप उस वीडियो के हवाले से कर रहे हैं, पहली बुनियादी चीज़ ये है कि जब आप किसी इलेक्शन में जाते हैं तो लोगों को आप अपना मंशूर बताते हैं, लोग आपसे जानना चाह रहे होते हैं जो उनके इलाकाई मसाइल हैं, उन इलाकाई मसाइल के हवाले से या ओवरऑल जो उनका पूरा इलाका जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का है उसके हवाले से आप क्या तरक्याती पैकेज लेकर आएंगे। तो वो हर पार्टी को हक है कि उसका आप इजहार भी करें, आवाम के साथ वादे भी करें, अपना मंशूर भी बताएँ। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमने वादे किए थे, आज हमने तारीखी पीएसडीपी के अंदर उनके लिए तरक्याती पैकेज रखा है, तारीखी जो है वो उनको शेयर दिया जिससे उनकी एडीपी के अंदर तरक्याती पैकेज है। जहाँ तक रह गई बात, आपने एक जो वीडियो के हवाले से बात की, वो एक ऐसा इलाका था जहाँ पर उनके गुजरने का पूरी सड़क तबाह हो गई, पूरा पुल जो है वो गिर गया, वहाँ के लोगों की गुजरते वक्त उन्होंने अपनी जाती जेब से जो है वो मदद की है, और वहाँ के लोगों का अगर कोई मसला हल हो जाए तो उससे मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का भी कोई उस हवाले से कोई ममानत है। देखें बात यह है कि कश्मीर का सौदा जो है वो कोई करने वाला पाकिस्तान के अंदर पैदा ही नहीं हुआ, और दूसरी बात यह है कि ये फिर मैं आपको कहूँगा कि ये इस किस्म के जो बातें की जाती हैं ये इनकी छोटी सोच है। इनको ये पता है कि कश्मीर का सौदा जिसने किया था वो नवाज शरीफ था, जिन्होंने मोदी के साथ, आप देखें कि जिस अंदाज से मोदी के साथ इन्होंने अपनी ताल्लुकात कायम किए हुए थे, जिस किस्म के वहाँ पर लोग आते थे, उनका ना फॉरेन ऑफिस को पता होता था ना पाकिस्तान के इदारों को पता होता था। अब जब मोदी इनके पास आया, मोदी तो अफगानिस्तान गया था, अफगानिस्तान मोदी कोई दरख्त लगाने गया था, अफगानिस्तान मोदी जो है वो वहाँ पर सफारतखानों के नाम के ऊपर एक ऐसा नेटवर्क बना रहा था जिस नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती थी। सारी दुनिया को पता है, किसी से छुपा हुआ है, कई बार इस चीज़ का हम इजहार कर चुके हैं। तो लिहाजा इनको नवाज शरीफ से पूछना चाहिए कि उस वक्त मसला कश्मीर क्यों हल नहीं करवाया। ये कहते हैं ना, हमारे तो फख्र की बात है, हमारी तो मोदी के साथ बड़ी जाती दोस्ती थी, तो मरियम साहिबा तो मोदी की भतीजी बनी हुई हैं, तो पूछे ना अपने चचा से कि क्यों 80 लाख कश्मीरियों को जो है वो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, क्यों उनके ऊपर जो है मुजालिम के पहाड़ जो है वो ढाए जा रहे हैं। करें ना नवाज शरीफ उनको फ़ोन, जाती दोस्त हैं उनके, करें कश्मीर का मसला हल। बुनियादी चीज़ ये है कि इसको सिर्फ सियासी बयानबाजियों के लिए, फिर मैंने इनको कहा कि ये एक छोटी सोच है, सस्ती शोहरत के लिए इस किस्म की ये बातें करते हैं। काशिफ साहब, न्यूज़ 1 से। सर पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी
देखें, अगर आप ये चीज़ थोड़ा एनालिसिस कर लें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास तो उनको तो उम्मीदवार नहीं मिले वहाँ पर जो इंतखाबात उनके लड़ें। पहले अपना एनालिसिस तो कर लें ना ये लोग। आप जीबी के अंदर जिस किस्म का इनके दावे थे और जिस किस्म का इंतखाबी नतीजे आए उसका 10% भी इनके दावों का ये हासिल नहीं कर सके थे। तो आज भी जो है वो इनके पास बहुत सारी नशस्तें बड़ी तादाद में ऐसी हैं जहाँ पर इन्होंने सिर्फ खाना पूरी की है, उसे हम पंजाबी में कहते हैं कि इन्होंने डंग टपाया है और इनके पास कुछ भी नहीं है वहां पर, लोग इनके साथ नहीं है वहां पर। देखें, बात यह है कि ओवरऑल तो आलमी सतह के ऊपर जो है वो अगर आप शय खुर्दोनोश की कीमतों को दुनिया के अंदर देखें कोविड के अंदर, उनके अंदर इजाफा हुआ हुआ है। जहाँ तक रह गई बात, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर आए हैं, ज़रात से खुराक तक फूड सिक्योरिटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, 2.5% से सालाना 22 करोड़ का ये मुल्क है, जो हमारी ज़रूरियात हैं चाहे वो हमारी लोकल पैदावार हैं उसको भी हम बढ़ाएं और जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं चाहे वो दालें हमारी बहुत सारी इंपोर्ट होती हैं उनकी पैदावार भी हम यहाँ बढ़ाएं, और अगर किसी चीज़ की जो है वो कमी होती है तो उसका बर वक्त जो है वो फैसला किया जाता है ताकि उस चीज़ की शॉर्टेज को जो है वो ख़त्म किया जाए। देखें, ये देखें बात ये है कि इंतखाबात के अंदर बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, किसी एक उम्मीदवार को जो है वो टिकट मिलना होता है और जिसको टिकट मिल जाता है वो इलेक्शन लड़ने चला जाता है, जिसको नहीं मिलता वो उसके ऊपर जो है वो अपना नाराज़गी का इजहार करता है। और हमेशा सियासी अप्रोच यही होती है कि जो लोग नाराज़ हों उनको साथ जोड़ा जाता है, उनके साथ रबते भी किए जाते हैं और उनको भी कैंपेन का हिस्सा बनाया जाता है। तो वो तो हमारा एक इंटरनल मामला है, उसको हम जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि जलसों के अंदर एक इंतखाबी ज़ुबान इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ज़ाबता अखलाक की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी है, ऐसा नहीं है। मैंने उसकी मिसाल आपको जीबी के हवाले से दी कि पूरा जीबी का हमने तरक्याती ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेकर आए हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें वहाँ पर टूरिज़म को प्रमोट करने के हवाले से है, जो स्कर्दू एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर इनके बिजली के मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने जा रहे हैं, एक पूरा कंप्रीहेंसिव प्लान दिया है। इसी तरीके से इंशाल्लाह तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी, इसी तरीके से पूरा आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तहरीक-ए-इंसाफ लेकर आएगी और उसको हम फंड भी करेंगे। ये उसके मुतालिक इंतखाबात के अंदर बात होती है। बहुत शुक्रिया। देखें, देखें ये भी मैं समझता हूँ कि एक हमारी कामयाबी है कि वो लोग जो शायद इस इशू के ऊपर बात नहीं करते थे, सबके अपने अपने मुफादात थे, लेकिन उसके ऊपर हमने उनको कायल किया है। ये हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी का मज़हर है जिस पे हमने उनको कन्विंस किया है और हम उनको मज़ीद भी इस हवाले से कन्विंस करते रहेंगे और साथ लेके चलेंगे। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जितने भी ममालिक हमारे साथ आके आवाज़ मिलाएंगे उनको इंशाल्लाह हम साथ लेके भी चलेंगे, उनको हम उनकी ये जो कोशिश है उसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे। बहुत शुक्रिया।